न्यू इंडिया हेराल्ड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कुछ अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। सीबीआई ने कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया को टेपिंग मामले में क्लीन चिट दे दी है। एक समय में नीरा राडिया टेप केस देश में सुर्खियों में रहा था। इस मामले में टाटा समूह के तत्कालीन मुखिया रतन टाटा तक का नाम उछाला गया था। अब सीबीआई के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि नीरा राडिया की राजनेताओं, वकीलों, पत्रकारों और उद्योगपतियों से बातचीत की टेप में उसे कोई आपत्तिजनक बात नहीं मिली है। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का आज दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट के दौरान राजू को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया था। बीते 41 दिन से वेंटिलेटर पर मौत से जंग लड़ रहे राजू श्रीवास्तव ने आज अपने प्राण त्याग दिए। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बुधवार को राजद राज्य परिषद की बैठक में भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं अपनी आइडियोलॉजी पर मजबूती से कायम हूं। कई पार्टियों ने भाजपा के साथ समझौता कर घुटने टेक लिए, लेकिन ना मैं झुका हूं और ना ही कभी झुकूंगा। भाजपा हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। 2024 में हम भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर कर देंगे। यूक्रेन जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज देश में सैन्य लामबंदी का आदेश दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिमी देश रूस को तबाह व कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। इन देशों ने हद पार कर दी है। इसके साथ ही पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी भी दी कि यदि क्षेत्रीय अखंडता को खतरा पैदा हुआ तो रूस सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज कराना और उन्हें गिरफ्तार करवाना केंद्र की प्रमुख परियोजना है। जब भी उन्हें चुनाव के नतीजों को लेकर संदेह होता है तो इस प्रकार के कदम महत्वपूर्ण कार्य के तौर पर उठाए जाते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने जेलर को धमकाने के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 37,000 रुपये का जुर्माना भी ठोका है। वर्ष 2003 में तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने थाना आलमबाग में मुख्तार के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। चेन्नई के रहने वाले एक मुस्लिम जोड़े ने आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में स्थित भगवान वेंकटेश्वर के तिरुपति मंदिर में 1.02 करोड़ रुपए का दान दिया है। कारोबारी अब्दुल गनी और उनकी पत्नी सुबीना बानो ने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के अधिकारियों को चेक सौंपा। दान पद्मावती रेस्ट हाउस की सुविधाएँ बेहतर करने और SV अन्ना प्रसादम ट्रस्ट के लिए है, जो हर दिन मंदिर में आने वाले हजारों भक्तों को मुफ्त भोजन प्रदान करता है। अब्दुल गनी ने कोरोना महामारी के दौरान भी मंदिर को 35 लाख रुपए का रेफ्रिजरेटर ट्रक दान में दिया था। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के न्हावा शेवा पोर्ट से हेरोइन की सबसे बड़ी खेप बरामद की गई। पुलिस ने 22 टन के कंटेनर को जब्त किया, जिसमें भारी मात्रा में हेरोइन भरकर लाई जा रही थी। जब्त की गई हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1725 करोड़ रुपये है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इसकी जानकारी दी है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 का फाइनल मैच ओवल के मैदान पर खेला जाएगा। इसके बाद अगले चक्र यानी 2023-25 का भी फाइनल मैच इंग्लैंड के ही लॉर्ड्स स्टेडियम में खेला जाएगा। ICC ने इस बात की पुष्टि की है। अब तक टेस्ट चैंपियनशिप के सभी फाइनल की मेजबानी इंग्लैंड को ही मिली है। हॉलीवुड अभिनेत्री एवं संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत एंजेलिना जॉली बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने के लिए पाकिस्तान पहुंची। इस आपदा से प्रभावित लोगों से मिलने के लिए वह सिंध प्रांत के दादू जिले में पहुंची हैं। पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों में बाढ़ की वजह से करीब 1,500 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद पाकिस्तान के बाढ़ प्रभावित इलाकों में डेंगू, मलेरिया और पेट में संक्रमण जैसी बीमारियाँ फैलने का संकट मंडरा रहा है।